हम मूली लेंगे, उसको हम छील लेंगे, वॉश करके हम इसको ऐसे क्रश कर लेंगे। अच्छे से हमने क्रश करनी है। इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी और मिर्च हसबे जायका। रोटी को बहुत पतला करके बेल लेना है। तो जो पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लें, और इसमें हम हल्का सा ऑयल भी लगाएंगे या घी लगा सकते हैं, हम घी लगा रहे हैं। और फिर हम इसको बंद कर देंगे दूसरी रोटी डाल के। अब हमें इसको तवे पर डाल दिया है, अब हम इसको पकाएंगे जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं।